हेलो दोस्तों, मेरे चैनल लुक्स एंड फ्लेवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पत्ते, एक ऐसी औषधि के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूं जो कि आपकी किचन में ही रहती है और इसका प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आप देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये है तेज पत्ता यानी बे लीफ, जिसको हम मसाले के रूप में किचन में प्रयोग करते हैं। आयुर्वेद में तेज पत्ते के कई औषधीय लाभ बताए गए हैं, तो आज इसी तेज पत्ते के कुछ प्रयोग मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। बहुत सी आयुर्वेदिक दवाओं को बनाने के लिए तेज पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारी एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसलिए दोस्तों, त्वचा के लिए, बालों के लिए, फंगल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए, डायबिटीज की समस्या के लिए, हड्डियों की कमजोरी के लिए तेज पत्ते का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये जो तेज पत्ता है, अंग्रेजी में इसको बे लीफ भी कहते हैं और इसका जो साइंटिफिक नेम है, जो वैज्ञानिक नाम है, वो है लॉरस नोबिलिस। तो तेज पत्ते को तमालपत्र भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जब पत्ता, हरा हरा सा पत्ता सूख जाता है तो इसको मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, तेज पत्ता जो होता है वो वात, पित्त और कफ नाशक होता है, यानी आपकी वात से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है। चाहे आपको जोड़ों का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, हड्डियों की परेशानी हो, मोटापा बहुत अधिक बढ़ गया हो, पेट का स्वास्थ्य ठीक न रहता हो, तो तेज पत्ता उसको ठीक करता है। क्योंकि दोस्तों, ये जो सभी रोग होते हैं ये वात से जुड़े होते हैं और तेज पत्ता वात रोग को दूर करता है। इसी तरह से सर्दी, खांसी, जुखाम की समस्या में भी तेज पत्ता बहुत अधिक फायदा करता है। इसलिए दोस्तों, आयुर्वेद में कई तरह की बीमारियों का इससे इलाज किया जाता है। तो सबसे पहले बता रही हूँ वजन कम करने के लिए किस तरह से तेज पत्ते का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, तेज पत्ता जो होता है उसमें फाइबर बहुत अधिक होता है, फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा, ये आपकी भूख को नियंत्रित करता है, यानी आपको अगर आप तेज पत्ते का सेवन करते हैं ना दोस्तों अपने खाने में, तो आपको भूख कम लगती है, आपका डाइजेशन अच्छा होता है और दोस्तों पाचन अच्छा रहता है, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा वज़न है, हमारा मोटापा है, वो बढ़ने नहीं पाता। तो ज़्यादा कैलोरी लेने से आपको बचाता है तेज पत्ता और आपके वज़न को कम करता है। लगभग डेढ़ ग्लास मैंने यहाँ पर पानी लिया है और 2 से 3 तेज पत्ते आपको इसमें डाल देने हैं। तो 3 तेज पत्ते डाल दिए हैं मैंने। अब इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। चाहे आप इसे तेज पत्ते का काढ़ा भी कह सकते हैं, तेज पत्ते की चाय कह सकते हैं। कई लोग सुबह सुबह उठ करके तेज पत्ते की चाय बना करके पीते हैं दोस्तों, क्योंकि इससे मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है और मोटापे की समस्या खत्म होती है। तो तेज पत्ते को अच्छा बॉईल कर लेना है आपने, जब तक कि इसके सारे जो पोषक तत्व हैं वो इस पानी के अंदर आ जाएं। और दोस्तों, इस काढ़े को आप गरम गरम पिए, गरम गरम पिएंगे ना, तो ये आपके शरीर में जा कर के आपकी जो शरीर की जमा चर्बी है उसको मेल्ट करेगा, पिघलाने का काम करेगा। दोस्तों, डायबिटीज़ को भी दूर करता है तेज पत्ते का काढ़ा। तो अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है, शुगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो भी आप तेज पत्ते का काढ़ा बना करके उसका सेवन करें, शुगर जो है वो कंट्रोल में रहता है। साथ ही साथ दोस्तों, जिन लोगों को जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा रहता है, हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, उनको भी तेज पत्ते का काढ़ा बना करके पीना चाहिए। इसी तरह से तेज पत्ते का काढ़ा बना लें और दिन में एक बार इसको आप ज़रूर पिए। जोड़ों के दर्द से हमें राहत मिलती है, चाहे घुटनों का दर्द हो, कमर का दर्द हो। तो दोस्तों, शरीर में कहीं भी आपको दर्द की समस्या हो तो तेज पत्ते का काढ़ा बनाकर पिए, दर्द निवारक होता है तेज पत्ता। मांसपेशियों के खिंचाव को, मांसपेशियों की सूजन को दूर करता है। तो खाने में भी आप इसका प्रयोग ज़रूर करें, तो खाने का टेस्ट भी बढ़ाता है, खाने को सुगंधित भी बनाता है तेज पत्ता, और साथ ही आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस तरह से तेज पत्ते का काढ़ा बना करके आप पिए। सर्दी जुखाम की समस्या को भी खत्म करता है तेज पत्ता। सर्दी खांसी की समस्या हो तो तेज पत्ते का काढ़ा बना करके पिए, तुरंत ही फायदा होता है। जोड़ों और घुटनों के दर्द में भी आराम देता है। तो गरम गरम इस काढ़े को आपको पीना है, सुबह सुबह खाली पेट लेना है। दोस्तों, वेट लॉस की जो कोई भी रेमेडी है, एक तो गरम गरम आपको लेनी है और दूसरा, सुबह सुबह जब आप खाली पेट पीते हैं ना, तो उससे आपको ज़्यादा फायदा मिलता है। तो आप कुछ समय तक इसको लें, करीबन 15-20 दिन तक आप इसको लें, आपका जो जमा हुआ चर्बी है, जो जमा हुआ मोटापा है, वो खत्म होगा। तो
तो शुगर के मरीज भी ले सकते हैं, जिनको जॉइंट पेन की समस्या है वो भी इसको ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ तेज पत्ते लिए हैं। तेज पत्तों को हम मिक्सी में डाल करके इसको ग्राइंड कर लेंगे, एक इसका चूर्ण जैसा बना लेंगे। दोस्तों कई औषधि में तेज पत्ते के चूर्ण का भी प्रयोग किया जाता है, मार्केट से भी ले सकते हैं आप तेज पत्ते का पाउडर, लेकिन घर पर तैयार करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि शुद्ध होता है, प्योर होता है, किसी तरह की मिलावट नहीं होती है घर पर जब इसे तैयार करते हैं। तो तेज पत्ते को आप मिक्सी में अच्छे से चला लें, अच्छे से ग्राइंड कर लें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने इसको पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है, और ये काफ़ी मोटा मोटा सा, ये दरदरा सा कुटता है। तो एक बार आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार आप इसे स्टोर करके रख लें बना करके, तो इसको आप एक बार मोटी छन्नी से अच्छे से छान लें, जिससे कि इसका एक जो फाइन चूर्ण है वो निकल सके और आपको लेने में आसानी हो। तो इस तरह से मैंने छान लिया, आप देख सकते हैं कि ये एक बारीक सा जो चूर्ण है ये बन करके तैयार हो गया है। तो सेवन कैसे करना है, चाहे तो दही में डाल के इसको खा सकते हैं, कई लोग दही खाना पसंद करते हैं, दूध वगैरह नहीं पीते हैं, तो थोड़ा सा तेज पत्ते का चूर्ण लें, करीबन एक चौथाई चम्मच लेना है, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है। तो गर्मी में भी ले सकते हैं, सर्दी में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी मात्रा में ही इसका सेवन करें। एक चौथाई चम्मच आपको लेना है इसका पाउडर, और दही में डाल करके आप इसको खाएं। साथ ही साथ दोस्तों भूलने की समस्या को दूर करता है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को दूर करता है, तो पुरुषों के लिए भी बहुत अधिक फायदेमंद है। तो जो लोग दही नहीं खाते हैं वो दूध के साथ में इसको ले सकते हैं। तो दूध ले लिया है मैंने यहाँ पर एक गिलास। तो जो लोग फैट लॉस करना चाहते हैं वो बिना मलाई वाला दूध लें, फैट फ्री मिल्क लें, और दूध में भी लगभग उतनी ही मात्रा डालनी है, लगभग एक चौथाई चम्मच तेज पत्ते का पाउडर हम इसमें मिला देंगे। और इसके बाद में दूध को अच्छे तरीके से उबाल लेना है, अच्छे से गर्म कर लेना है। चाहें तो दूध को पहले गर्म कर ले और उसके बाद में भी पाउडर मिला सकते हैं। दूध के साथ तेज पत्ते का सेवन करेंगे तो हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है, घुटनों का दर्द दूर करता है, कमर का दर्द ठीक होता है। तो जिन लोगों को नींद अच्छी नहीं आती है वो भी रात में इस तरह से तेज पत्ते वाले दूध का सेवन करेंगे तो नींद बहुत ही अच्छी आती है। साथ ही साथ दोस्तों किडनी की समस्याओं को भी दूर करता है तेज पत्ता है, तो जिन लोगों को किडनी की समस्या है वो भी तेज पत्ते का प्रयोग करें, किसी भी तरीके से ले सकते हैं, काढ़ा बना करके पी सकते हैं, दही में डाल के खा सकते हैं, या फिर दूध के साथ में इसको ले सकते हैं। आप एक पैन ले लेंगे और इसमें आपको डालना है सरसों का या फिर नारियल का तेल। तो यहाँ पे मैं नारियल का तेल प्रयोग कर रही हूँ। आप जो तेज पत्ते का हमने पाउडर बना करके रख लेना है, अच्छे से आप इस तेल को गर्म कर लें, ताकि तेज पत्ते के जो आपकी स्कैल्प को नरिशमेंट देता है, सफ़ेद बालों की समस्या को दूर करता है, साथ ही साथ बालों का झड़ना बंद करता है। दोस्तों काफ़ी सारे एसेंशियल ऑयल भी मिलते हैं मार्केट में तेज पत्ता के, जो कि ब्यूटी के लिए, स्किन के लिए और बालों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो तेज पत्ते का जो तेल होता है वो बालों को घना बनाता है, बालों का झड़ना रोकता है। तो इस तरह से हमारा जो तेल है वो बनकर के तैयार हो चुका है। इसको हम छान लेंगे, छानने के बाद में आप इसको एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लें। हफ्ते में एक से दो बार इसका प्रयोग ज़रूर करें, झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा, सफ़ेद बालों की समस्या दूर होगी, बालों का घनापन बढ़ेगा, रूसी है, डैंड्रफ की समस्या है, फंगल इन्फेक्शन है किसी भी तरीके का, तो वो दूर हो जाएगा। दोस्तों कई तरह के एसेंशियल ऑयल आते हैं तेज पत्ते के, जो कि त्वचा के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और कई तरह की क्रीमों में, परफ्यूम्स में भी तेज पत्ते का प्रयोग किया जाता है। तो ब्यूटी के लिए और हेल्थ के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होता है। तो दोस्तों इस तरह से तेज पत्ता जो है ये एक आयुर्वेदिक औषधि है, और इसका आप ज़रूर प्रयोग करके देखें। और आज की जानकारी, आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक मेरे चैनल लुक्स एंड फ्लेवर्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।